डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में काफी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। सिस्टम है कि किसी का कोई भी कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का यूज होता है, इसलिए उसका ट्रिग्नोमेट्री और लेवल फाइंड आउट करना है। किसी इस लेवल में मुझे आरएल पता है और किसी और हाइट का आरएल मुझे फाइंड आउट करना है। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल होता है। रिड्यूस लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल से उसकी हाइट होती है, उसी को रिड्यूस लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम यहां तक देख चुके हैं, ठीक है। ये देखो, दूसरा केस में बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल हो। इनएसेसिबल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका बेस हमें नहीं दिखाई दे रहा हो। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन द सेम वर्टिकल प्लेन, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो सेम वर्टिकल प्लेन में है, सेम वर्टिकल प्लेन। इसकी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो उसके दो केसेस है, एक है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर डिफरेंट लेवल, एक है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है सेम लेवल, वो भी मैंने बता दिया। डिफरेंट लेवल में दो केसेस है, दो, जिसमें ये वाला केस मैंने पहले बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट के नियर में इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो लोअर है, और एक है जो इंस्ट्रूमेंट के नजदीक है, ऑब्जेक्ट के नजदीक जो इंस्ट्रूमेंट है वो हायर है, हायर। तो आज इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, सिंपल क्या करना है, सिंपल सा, ये हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैं ये बेस, यहां से देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा है, बाकी तो ये दिख रहा है, ठीक है, बेस नहीं दिख रहा हूं, बेस मतलब उसका आधार, ये वाला नहीं दिख रहा है, बाकी ये दिख रहे हैं, ये दिखेंगे नहीं तो कहां से फाइंड आउट करेंगे, दिखना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट रहे हैं, बस बेस नहीं दिखना चाहिए। बिल्डिंग का कोई भी पार्ट दिख रहा है चलेगा, बिल्डिंग हो चाहे टावर हो चाहे कुछ भी हो, आपसे जितने भी न्यूमेरिकल्स इसमें है, न्यूमेरिकल्स भी अप्रोक्सिमेट 10 प्रॉब्लम मैं कराने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो रियली मैं बोल रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर में अप्रोक्सिमेट मेरे ख्याल से 15 वीडियोस बनेंगे, वो 15 वीडियो देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरा आराम से देख लिए तो कुछ तो पहले ही समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके नियर में जो इंस्ट्रूमेंट रखा है उसकी हाइट क्या है, हायर है, मतलब इसकी हाइट मान लो यहां पर है, ठीक है, ये हाइट हो गई, और जो उसके बाद है वो लोअर है, मतलब मेरा इसकी हाइट इसकी लोअर थोड़ा कर देते हैं, इसकी हाइट थोड़ा यहां पर है और इसकी हाइट यहां पर है, ठीक है, और यहां का मुझे रिड्यूस लेवल पता है, हम वहां के रेफरेंस लेके, और यहां का ये मैंने पी, इसका पी पॉइंट ले लिया, इसका मुझे आर एच चाहिए, ठीक है। और ये तो इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं ना, ये भी ध्यान रखना इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस जो बी है वो मुझे पता है, दिया भी रहेगा, न्यूमेरिकल जो देगा ना उसमें दिया भी रहेगा कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस आपको ये बी पता होगा। बट ध्यान रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इनके और इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता होते हैं, ये हमें नहीं पता, क्योंकि कहां से मेजरमेंट करें, ये तो चलो दो इंस्ट्रूमेंट के बीच में मेजरमेंट टेप से कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या, ये तो पूरे जमीन है, लैंड है, ऊपर अंदर कहां आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर पाओगे। तो कैलकुलेशन के बेस पे निकालते हैं, कैसे निकलेगा वो टेक्निक यहां पर सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो पता है इसके ऊपर हमने एक स्टाफ को रख दिया, स्टाफ लेवलिंग स्टाफ, देखे होगे, नहीं देखोगे तो उसके बारे में भी एक बार मैं लैब में जाके बता दूंगा, ठीक है। तो यहां से जब इसको देखोगे तो इसकी रीडिंग कुछ आएगी जो हमें मिलेगी, या स्टाफ में रीडिंग दिखेगी कि ये जो लेवल है इसकी लेवल की रीडिंग क्या है, ये मिलेगा, ठीक है। इस पे भी पता चल गया कि ये लेवल क्या है, ये मान लो कुछ पॉइंट रख दी, इसका लेवल का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देता हूं बी, यहां से जो ये आया सी, ठीक है। फिर उसके बाद से यहां से भी इसमें देखोगे तो ये लेवल आएगा, ये लेवल, और इसका लेवल यहां पर जा रहा है तो ये लेवल मिल गया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ये ए बी सी रख दिए, यहां पर डी रख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस इंस्ट्रूमेंट बी से आप देख रहे हो, बी से तो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा वन बना रहा है, ध्यान देना, बी से जब देखा मैंने तो अल्फा वन बना रहा है। फिर उसके बाद से मैंने ए से देखा तो ए से देखने पर देखो ये बन रहा है, ठीक है, अल्फा टू बन रहा है, ठीक है, अल्फा टू। पी को देख रहे हैं, जो टॉप देख रहे, टॉप को हम देख रहे हैं क्योंकि वो दिखने वाला वही चीज है, बेस नहीं दिख रहा है, तो बीच में कहीं लेने का मतलब क्या, अगर मुझे टॉप का चाहिए तो टॉप पे ही देखते हैं, अल्फा वन अल्फा टू मिल गया, ठीक है, और ये भी रीडिंग मिल गई है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैपिंग भी पता चलेगा कि कितना है, मान लो ये जितना है और ये पूरा, ये जो रीडिंग बताएगी यहां से यहां तक हाइट बताएगी, ये जो रीडिंग बताएगी यहां से यहां तक बताएगी,
तो ये पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको ही मैंने मान लिया एच डी है, ठीक है, एच डी कैपिटल डी कर देते हैं एच डी, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो ये भी बता रहा है, ये भी वही बता रहा है। तो पहले वाले देखो, ये अल्फा वन जो लिया मैंने पहला माना, ये एच वन है और ये एच टू है, ठीक है। एच टू किसका है, ये जो उसके दूर है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखो, अगर एच डी चाहिए तो क्या करूंगा मैं, एच टू माइनस एच वन करूंगा मिल जाएगा, एच टू माइनस एच वन करूं तो ये एच डी मिल जाएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले ये ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल हो रहा है, पी डी बी, ठीक है। पी डी बी अगर ट्राइंगल लेते हैं, यहां पे दिख रहा होगा इन ट्राइंगल पी डी बी टेन अल्फा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो अल्फा वन इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपन एडजेसेंट, एच वन अपन ये डिस्टेंस डी, इससे अगर बनाएंगे एच वन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एच वन इक्वल टू क्या होगा, डी टेन अल्फा वन हो गया, ठीक है। उसके बाद से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पूरा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए पी सी, ए पी सी अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं तो उसमें टेन अल्फा टू इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा टू, ये इक्वेशन वन ले लिया, टेन अल्फा टू इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा टू वही होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, एच टू, और एडजेसेंट क्या है, बी प्लस डी है, बी प्लस डी, तो एच टू इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस डी टेन अल्फा टू, ठीक है, ये इक्वेशन टू हो गई। अब यहां पर ध्यान दो, मुझे एच डी कब मिलेगा, ये रीडिंग मुझे पता है, ये रीडिंग यहां से इनके बीच का डिस्टेंस पता है क्योंकि स्टाफ में मैंने ले लिया है, तो यहां पर एच टू माइनस एच वन करूंगा तो एच डी के बराबर होगा, तो यहां पे मैं कर लूंगा एच टू माइनस एच वन, और ये किसके बराबर है, एच टू माइनस एच वन, यहां से देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, मतलब बी प्लस डी टेन अल्फा टू माइनस डी टेन अल्फा वन, डी टेन अल्फा वन, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, एच डी है, यही बता दिया एच डी जो पता होगा, ठीक है, पता है, इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट, एक बार बी टेन अल्फा टू होगा, एक बार कैपिटल डी टेन अल्फा टू होगा, इसमें माइनस टेन अल्फा वन होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये इसके साथ, इनके साथ ये प्लस में है, तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू, और इधर क्या बचा, ये बचे इनमें से डी कॉमन कर लिया मैंने, यहां क्या बचा, टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, समझ में आ रहा है ये। अब यहां पर डी मुझे चाहिए थी, ये इधर डिवाइड कर देंगे तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड बाय ये, तो मैं यहां पर डायरेक्ट यहां डी इक्वल टू लिख दे रहा हूं, ये एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू अपॉन टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, ये आपको डी मिला डिस्टेंस, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, डिस्टेंस मिल रहा है लेकिन हेल्प करेगा मुझे एच वन या एच टू फाइंड आउट करने के लिए, तो एक कोई भी मिल जाता तो मेरा काम हो जाता है। यहां का मुझे आर एल चाहिए, तो यहां से इसमें प्लस करोगे तो एच टू चाहिए, इसमें ये वैल्यू प्लस करोगे तो एच वन करोगे तो यहां पर पहुंच जाओगे, तो मुझे क्या करना है, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे डी की वैल्यू तो मुझे एच वन मिल जाएगा, देख लो डी की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा एच टू मिलेगा, पहले में कर रहा तो एच वन मिल जाएगा, आप देख लीजिए मैं एच वन इक्वल टू क्या है, डी टेन अल्फा वन है, तो डी की वैल्यू क्या है, ये है, लिख लेते हैं डी की वैल्यू क्या है, एच डी माइनस बी टेन अल्फा टू तो है ही है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है टेन अल्फा वन का डिवाइड बाय टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, एच वन मिल गया, एच वन मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए, आरएल ऑफ पी अगर चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे आरएल ऑफ पी अगर चाहिए तो क्या करोगे, पहले तो आरएल ऑफ बेंचमार्क, इसको बेंचमार्क बोला जाता है, ये दिया रहेगा, बोला रहेगा आरएल ऑफ बेंचमार्क, तो पहले तो यहाँ का मतलब कहीं से लिया हुआ है, पहले से मार्क है कि यहाँ का पता है मुझे कि आरएल कितना है, मीन सी लेवल से ये लेवल की हाइट कितनी है ये पहले से पता हो, उसी को बोला जाता है आरएल ऑफ बेंचमार्क, आरएल ऑफ बेंचमार्क शॉर्ट में लिखते हैं बीएम बेंचमार्क प्लस एच वन मिला है ना, तो एच वन की हाइट कहां, यहां तक है, तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू
ये वैल्यू, मतलब कहां से, बी से, स्टेशन बी से जो रीडिंग ली गई होगी। देखो यहां जो भी इंडिकेट किया हो वो ए किया है तो ए से रीडिंग, बी किया है तो बी से रीडिंग, बी से जो भी रीडिंग किया गया है वो, ठीक है, बी से लिया गया मतलब ये, इसको मैंने मान लिया बी एस। देखो यहां पर मैंने माना है जो रीडिंग होगी वो लिख लेना, यहां पर बी एस प्लस ये बी एस हो गया तो ये एच वन कर दिया तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, देखो जो चीज नहीं हमें दिख रहा है उसका भी आरएल पूछ लेता है। पूछ लिया आपको कि ये मान लो कोई बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दी रही थी, हाइट दी है, आरएल फाइंड आउट करना है लेकिन इसके बेस का आरएल फाइंड आउट करना है। देखो हाइट दी है, बेस का पता है, यहां पर आप पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए ना। अब बिल्डिंग की हाइट जो कि माइनस कर दोगे तो बेस का आरएल मिल जाएगा कि नहीं, ये भी टेक्निक आपको यहां पे सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मेरा ये जो सेकंड केस के जो दो केस थे, दो प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से आप देखते रहिए कि ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो चुके। तीसरा केस ये बोला है, तीसरा केस ध्यान रखना, तीसरा केस हमारे लिए इजी होता है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट इजी होता है, उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आपको मैं बताऊंगा। तीसरा केस भी बहुत इजी है, ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बस तीसरा केस ये है ना कि सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, सेम वर्टिकल प्लेन मतलब ये एक्सिस और ये तीनों एक ही लाइन पर ना हो, ये यहां पर है, ये यहां पर है और ऑब्जेक्ट वहां पर है, तो यहां से कुछ एंगल है, यहां से कुछ एंगल है, ये दोनों बीच का डिस्टेंस पता है। अगर ये भी डिस्टेंस अगर मिल जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तभी जाके मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता है तभी हमारा काम चालू हो जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने का उसमें साइन रूल यूज होता है, साइन रूल आपने पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वही चीज मैं सिखा दूंगा कि ताकि आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम मैं आपको समझाने वाला हूं कि ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड को ज्यादा से शेयर करिए, क्योंकि जितना अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, जो भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर करें, कोई किसी के फादर देख रहे हैं, कोई किसी के ब्रदर देख रहे हैं, तो जरूर अपने जो भी कलीग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग सर्वे से रिलेटेड, सर्वेइंग, देखिए आर्किटेक्चर में भी सर्वेइंग आता है तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी अगर है तो उनको जरूर शेयर करें कि ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो अगर देखेंगे तो रियली मैं बोलता हूं उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक लेवल पे बहुत ही आसान करके मैं समझा रहा हूं कि ताकि उनको समझ में आ जाए। तो शेयर करो, लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी करो कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं मुझमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो आप देखते रहिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, वो सुधार कैसे करना वो भी कमेंट करके लिख के बता सकते हैं। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आपको समझ में आए। तो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।